हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान मटिका। कल हम लोगों ने अपना एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि किस तरीके से हम इस चैनल को चलाने वाले हैं, ऑपरेट करेंगे, ताकि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हो, जो कि है बच्चों को पढ़ाना, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, ताकि वो इस चीज़ को समझ सकें कि किस तरीके से पेपर को अटेंड करना है या डे टू डे लाइफ में इंग्लिश को कैसे यूज करना है। चलते हैं आज हमारे पहले टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस। अब टेंसेस क्या होता है? टेंसेस को बेसिकली एक सिंपल वर्ड में कहा जाए, ये होता है टाइम। टाइम मतलब कि कब हम लोगों ने कोई काम किया या किस तरीके से किया या करते रहे, ये हम लोग टेंसेस से डिफाइन करते हैं। अब टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं? टेंसेस होते हैं तीन टाइप का। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। अब ये जो तीनों टेंसेस हैं, इनको भी हम लोगों ने सब क्लासिफाई कर रखा है और टुकड़ों में बांटा गया है। प्रेजेंट के चार टाइप होते हैं, पास्ट के भी यही चार टाइप होते हैं, फ्यूचर के भी यही चार टाइप होते हैं, बस उनके आगे ये वर्ड लगा दीजिएगा। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर इसी तरीके से फ्यूचर टेंस भी होता है। इस तरीके से हमारे टोटल 12 टेंसेस बन जाते हैं। अब ये 12 टेंसेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चरों में भी। तो सबसे पहले आ जाते हैं बेसिक्स पे। देखिए, टेंसेस सीखने से पहले कुछ चीजें हमें जानना जरूरी होता है। जैसे कि एक सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है? तो सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका कोई मीनिंग निकल के आ रहा हो, ठीक, अगर उन्हें प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज किया जाए। तो ये सीक्वेंस क्या होता है? ये सीक्वेंस डिसाइड होता है वो रूल्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर के कुछ रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि कैसे हम लोगों किसी चीज को वो करना है, अरेंज करना है। तो जनरली एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें तीन टाइप होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब, एक होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि एडजेक्टिव, फिर जाकर के आपका ये क्या कहते हैं, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, ऐसे करके बहुत सारी चीजें होती है। पर सब्जेक्ट जो होता है वो होता है वो इंसान जो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है। वो एक्शन कोई भी हो सकता है, जैसे कि कट, स्टील, प्ले, स्विम, फ्लाई, जो भी आप लेना चाहें। और इसी तरीके से वो एक्शन जो है उसी को हम कहते हैं वर्ब, ठीक। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट भी कई तरीके के टाइप्स होते हैं। वो जैसे कि ये हम लोग ये लेते हैं, ये सब चीजें, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। अब इसके अलावा क्या होता है? कुछ नाम जो नेम्स होते हैं वो भी हो सकते हैं, वो भी सब्जेक्ट होते हैं, ठीक। अब ये याद रखिएगा, यहाँ जो ये डेफिनेशन लिखी हुई है ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, बट एक लेमैन टर्म्स यानी सिंपल भाषा में समझाया गया है कि क्या है ये सब चीजें। तो इनको एक बार रोक करके आप स्लाइड में पीछे जाकर के देख सकते हैं कि किस तरीके से है। और फिर जाके जब इनके चैप्टर्स आएंगे, जैसे कि वर्ब आएगा, प्रोनाउन आएगा, तो उसमें इनको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा प्रॉपर डेफिनेशन के साथ, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है बेसिक्स, जो हमें टेंसेस स्टार्ट करने से पहले पढ़ लेना चाहिए। तो सबसे पहली चीज क्या है कि इंग्लिश ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट जो जितने भी हैं चीजें पढ़नी है, उनमें नंबर वन पे है हमारा वर्ब, क्योंकि एक वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस फॉर्म ही नहीं हो सकता। ये सबसे इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट होता है। अब वर्ब क्या होता है? वर्ब के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, ये समझ लीजिएगा, वर्ब के टाइप होते हैं। अब टाइप जो होते हैं, तो वर्ब के जो टाइप होते हैं वो कैसे पता चलेंगे? तो देखिए, नॉर्मली सारे वर्ब जो होते हैं जनरली फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में यूज किए जाते हैं, और इसके अलावा एक होता है जिसमें आईएनजी हम लगा देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही। अब इसमें कई सारे वर्ब्स ऐसे होंगे जो कि आप लोगों को नहीं पता होंगे, तो ये मैंने लिंक दिया है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये लिंक वहां पे पेस्ट कर दूंगा। वहां से जाके आप एक शीट डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें कुछ वर्ब्स दे रखे हैं वो याद कर लीजिएगा, उनके सारे फॉर्म्स मेंशन होंगे वहीं पर। इसके अलावा अब आ जाते हैं हम लोग प्रोनाउन पे। प्रोनाउन मतलब क्या? जैसे कि सब्जेक्ट जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, ये रहे सब्जेक्ट्स, या फिर इनके अलावा आप कुछ नेम्स भी यूज कर सकते हैं, नेम्स भी यूज किए जा सकते हैं। अब वो नेम्स क्या होते हैं?
कि राम श्याम कुछ भी ले लीजिए, या फिर उसकी जगह आई वी यू ही शी इट दे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन मेल फीमेल, थर्ड पर्सन प्लूरल, ये दे रखा है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बोलूंगा आई एम हैप्पी, ठीक। पर अगर मान लीजिए कई सारे लोग मिलके कह रहे हैं तो वी आर हैप्पी, तो यानी कि फर्स्ट पर्सन ही, मतलब मैं ही वो बात कर रहा हूँ, किसी से कह रहा हूँ, ठीक। तो दूसरे की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, तो इस किस तरीके से हो जाएगा, सेकंड पर्सन, तो यू आर हैप्पी, आप खुश हैं, तो ये सेकंड पर्सन है। मेरे सामने जो दूसरा खड़ा है, अगर मैं बात बोल रहा हूँ तो उसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो सेकंड पर्सन हो गया। अब कभी कभी हम क्या होता है कि किसी तीसरे आदमी की बात कर रहा था, आपस में बात करता हूँ, मैं मेरे सामने जो खड़ा है उससे बात कर रहा हूँ किसी तीसरे व्यक्ति की, तो मैं कहूंगा ही इज हैप्पी, मतलब वो तीसरा आदमी खुश है। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट्स में आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट्स में हम स्टेटमेंट के एंड में यूज करते हैं कि यू हेल्प्ड मी, मैं आपने मेरी मदद की, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में ये भी फर्स्ट पर्सन था, मेरी बात कर रहा हूं मैं, और मैं ही बोल रहा हूँ कि तुमने मेरी मदद की, यू हेल्प मी। फिर जाके इसी तरीके से पजेसिव प्रोनाउन होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। रिफ्लेक्सिव जैसे कि आई लव माई सेल्फ, मुझे अपने आप से प्यार है। फिर पजेसिव प्रोनाउन में क्या हो गया, माइन, जैसे कि दिस बुक इज माइन। पजेसिव मतलब होता है किसी चीज में पे आपका अधिकार होगा, अधिकार होगा आपका किसी चीज पे। अब तो आप उसके स्वामी हैं, स्वामी हैं, तो ये उस पे आप उस पे अपना मालिकाना हक जता सकते हैं। तो माइन क्या हो गया, जैसे कि दिस बुक इज माइन, इसी को आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं एडजेक्टिव का यूज करके, दिस इज माई बुक, ये किताब मेरी है, दिस इज माई बुक। फिर इसी तरीके से प्लूरल जब होगा, या फिर कई लोग ओनर्स होंगे, या फिर किसी थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से कहा जा रहा है कि उसकी किताब है, तो दिस इज हिज बुक, ठीक। इस तरीके से कहिए, दिस बुक इज हिज, इस तरीके से भी कहा जा सकता है, ही लव्स हिमसेल्फ। तो इस तरीके से कई सारे हमारे ये चार्ट जो है, आपको ये चार्ट बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसको भी रोक लीजिएगा, और इसको रोक करके लिख लिख के याद कर लीजिएगा। अगर ये याद रहेगा तो आपको टेंसेस सीखने में बहुत आसानी होगी। एक ये और एक पीछे की स्लाइड में ये जो लिंक होगा, यहाँ पे जो वर्क की शीट होगी, ये शीट को जरूर याद कर लीजिएगा, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी आगे के लेक्चर्स में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लेक्चर हम खत्म करते हैं, और अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आप उस पर अपना नोटिफिकेशन पा जाए। थैंक यू।